क्या ऐसी ऐसी औरत जो कि 7 साल मुख्यमंत्री के पद पर रह सकी है, रह चुकी हैं, क्या ये नारी के मान सम्मान की रक्षा की बात कर सकती हैं? ऐसे जाहिल लोगों को क्या जेल में नहीं भेजना चाहिए? राबड़ी देवी ने मारा है, ऐसा है ना। करीब एक घंटा पहले मुझे फ़ोन आया ऐश्वर्या का कि मुझे राबड़ी देवी मार रही है। उसके बाद फ़ोन बंद हो गया, मैंने फ़ोन किया, रिंग करता रहा, नहीं उठाया, तो मुझे घबराहट हुई, मैं यहाँ चला आया। यहाँ पर देखा कि बाहर अकेले बिना चप्पल के ये खड़ी हुई है और रो रही है। इसने मुझे बताया कि आज एक घंटा पहले वो कोई पोस्टर निकला है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, कोई कहीं पटना यूनिवर्सिटी में कुछ तेज प्रताप ने कुछ पोस्टर निकलवा है जिसमें कुछ अश्लील बातें लिखी हैं। तो इसने राबड़ी देवी से सिर्फ इतना ही पूछा कि मुझ जो आपत्ति है मुझसे, मेरे पिता को क्यों इसमें बार बार घसीटने का काम करते हैं ये जो आपके तेज प्रताप हैं। उन्होंने दरवाज़ा बंद करके इसको पीटना शुरू कर दिया। उसी समय इन्होंने फ़ोन हमको लगाया, उसके बाद इनका फ़ोन छीन लिया गया। हम लोग यहाँ दौड़े दौड़े आए तो बाहर ये खड़ी थी और बुरी तरह से इसको मारने का काम किया। बाल खींच करके उसके बाल निकाल लिए हैं इसने और लात जूता सब मारने का काम किया। उसके बाद अपने जो फीमेल सिक्योरिटी है, उससे खींचवा करके घसीटवा करके इसको घर से बाहर निकाल दिया और बाहर से दरवाज़ा यहाँ पर जो बाहर वाला है इसको भी बंद करने का काम किया। क्या ऐसी ऐसी औरत जो कि 7 साल मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी हैं, क्या ये नारी के मान सम्मान की रक्षा की बात कर सकती हैं? ऐसे जाहिल लोगों को क्या जेल में नहीं भेजना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, इस छोटी सी बच्ची को आप देखिए कितनी छोटी है और इसके साथ इस तरह का अत्याचार किया जाता है, क्या ये बर्दाश्त के बाहर है? हम लोग के बर्दाश्त के बाहर है, मगर हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। हम लड़ने का काम करेंगे, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, सब स्तर पर लड़ने का काम करेंगे और इन लोगों की बेहाई जो है उसको हम लोग दिखाने का काम करेंगे। पुलिस का बिल्कुल मांग करेंगे, बिल्कुल अरेस्ट की मांग करते हैं। ऐसी औरत को बाहर नहीं घूमना चाहिए समाज में, ऐसे जाहिल औरतों को बाहर नहीं घूमना चाहिए। इन लोगों का एक ही जगह रास्ता है, वो है जेल में रास्ता है। लोगों पर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं अभी तो जिन्होंने मारा है और उसके सिक्योरिटी गार्ड और किसको है, राबड़ी देवी ने मारा है और उसके जो लेडी सिक्योरिटी है जो भी है उसका नाम मैं नहीं जानता, उन लोगों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। क्या ऐसी औरत जो कि 7 साल मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी हैं, क्या ये नारी के मान सम्मान की रक्षा की बात कर सकती हैं? ऐसे जाहिल लोगों को क्या जेल में नहीं भेजना चाहिए? राबड़ी देवी ने मारा है। बट आप बार बार किसी को आज मार पीट के बाहर निकाल दोगे, कल काट के फेंक दोगे, क्या करोगे फिर? ऐसे थोड़ी होता है। थोड़ा चोट आई आपको? नी पे, मेरा बाल खींची है, दरवाजा लॉक किया है, मेरा बाल पकड़ा है, घसीट घसीट के मारी है, उसके बाद जितना इनका सिक्योरिटी, फीमेल सिक्योरिटी गार्ड है, उठा के बाहर फेंका गया है और जो फोन में एविडेंस था वो फोन छीन लिए है।